पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर लगी है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने भी बंगाल के चुनाव को नाक का सवाल बना लिया है और अपनी पूरी जान चुनाव जीतने में लगा दी है। और अब जैसे जैसे समय गुजर रहा है, वैसे वैसे बंगाल में रोज कुछ नया नाटक देखने को मिल रहा है। एक ऐसा ही वाक्या हुआ है बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में, जहां नामांकन के बाद चुनाव अभियान के दौरान बुधवार शाम के वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हादसे का शिकार हो गई। ममता के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। ममता की हालत को देखते हुए उन्हें SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके बाद शुरू हो गया आरोपों का दौर। बीजेपी और कांग्रेस के नेता इस घटना को ममता का नाटक बता रहे हैं, तो TMC इसे ममता के खिलाफ साजिश बता रही है। ममता ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि जानबूझकर उनके पैर को कुचलने की कोशिश की गई है। ममता ने कहा, नंदीग्राम में मुझ पर हमला किया गया है, मेरे पैर को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। TMC सांसद सुखेंदु शेखर राय ने बताया कि शाम करीब 6:15 बजे जब ममता एक मंदिर में पूजा करने के बाद बिरुलिया अंचल से निकलने वाली थी, तो कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें कार में धकेल दिया और जबरन दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके बाएं पैर में भी गंभीर चोटें आई, कमर में भी तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए कोलकाता भेजा गया। हालांकि ममता बनर्जी पर हुए हमले के एक प्रत्यक्षदर्शी चितरंजन दास ने कहा कि मैं वहां पर था। वह अपने कार के अंदर बैठ रही थी, दरवाजा खुला था, एक पोस्टर से टच होने के बाद दरवाजा बंद हो गया, किसी ने धक्का नहीं दिया ना ही मारा, दरवाजे के पास कोई नहीं था। प्रत्यक्षदर्शी का यह बयान न्यूज एजेंसी ANI ने जारी भी किया है। इस पूरे मामले को बीजेपी ने ममता का पब्लिसिटी स्टंट बताया है। वहीं कांग्रेस ने भी घटना को लेकर ममता के ऊपर सवाल उठाए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी है और मामले पर नजर बना रखी है।